हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो चाय पानी हमारा हो चुका है। मैं कर रही हूँ इनके कपड़े प्रेस। काफ़ी दिन हो गए थे प्रेस नहीं करे थे, उस दिन करे थे थोड़े से करे थे, तो सोचा आज कर दूँ। चार पाँच छः जोड़ी कपड़े आज मैंने प्रेस कर दिए थे, क्योंकि सुबह लाइट अच्छी आती है कि दोपहर में थोड़ी सी आती जाती रहती है, तो इसलिए सोचा सुबह ही कर दूँ कपड़े प्रेस। चाय पानी के बाद पहले मैं इनके कपड़े लेके ही बैठी हूँ, पहले इनके कपड़े प्रेस कर दूँ, उसके बाद कोई काम करूँगी। तो बस फ्रेंड के कपड़े यहाँ इसमें काफ़ी वैसे हो गई थी, प्रेस भी गर्म काफ़ी हो गई थी, बस ये थोड़ी सी कमी चिकनी हैगी। सफेद कपड़े मेरे हो गए हैं प्रेस, उठाकर अलमारी रख दूँ। रसोई का भी काम मेरा समेट ही गया है, और चाय पानी का सारा काम समेट दिया गया है। सुबह हाथ खेत कर देती हूँ, सुबह चाय पानी का काम जो होता है वो हाथ खेत कर देती हूँ, खाने पीने का फिर खाने पीने के साथ साथ करती जाती हूँ। और आप सोच रहे हैं कपड़े टांग क्यों नहीं रही है, क्योंकि इसमें अलमारी मेरी छोटी हैगी, तो इस चक्कर में टंग नहीं पाते हैं उसमें कपड़े। तो बस प्रेस भी ठंडी हो गई थी, उठा के मैंने इसे रख दूँ, उसके बाद कोई काम करूँगी। बस थोड़ा सा साफ सफाई सब हो चुकी है, ज़्यादा कुछ गंदा नहीं हुआ, गंदा नहीं है, झाड़ू पोछा सब हो चुका हैगा। तो बस खाली कपड़े तो नहीं, पहले कपड़े प्रेस भर लूँ, उसके बाद फिर करूँगी उसमें रसोई में। और आज बनाऊँगी थोड़ी सी मैं जवे। जवे का मैं सिवई है, जवे तो हाथ के होते हैं कि जो हाथ के बनते हैं कि, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। सब लोग मेरे काम पर जा चुके हैं कि, तो बस मैं थोड़ा सा इसमें प्याज वगैरह कट करके उसमें डाल दूँगी सिवई में। और छोटा वाला बेटा कह रहा था सिवई बना रही हूँ मम्मी, तो मेरे लिए मीठी सिवई बना देना, तो उसके लिए थोड़ी सी मैंने मीठी सिवई बनाई है। और अपने लिए नमकीन, मतलब हम दो तरह की सिवई बनाई, मीठी और नमकीन दोनों तरीके की। तो नमकीन हम खाएंगे, मीठी वो खाएगा, तो अच्छी लगती है। मीठी भी अच्छी लगती है, नमकीन भी अच्छी लगती है, तो दोनों का टेस्ट आ गया था। तो थोड़ी थोड़ी सी हमने मेरे बेटे ने, और थोड़ी सी उसमें मैंने मटर भी ऐड करी है। मटर लेके आया था बड़ा वाला बेटा, मटर लेके आया था सिवई के लिए। तो यहाँ मैंने ये दूध रख दिया, इसमें थोड़ी सी सिवई डाल दूँगी, उबाल हो जाएगा उसमें, उसके बाद ये भी बन जाएगी। संग इसे नमकीन सिवई को भी छोंकती जा रही हूँ, तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे मेरे। जल्द तो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है सेवई बनने में, कि ज़्यादा टाइम लगता हो, एक भाप में बन जाती हैं वो। तो बस इसमें प्याज वगैरह डाल दिया मैंने, सारा सिंपल तरीके से ही बनाया है जी। हल्दी डाल दी है कि इसमें, उसके बाद मिर्च डाली है, थोड़ी सी मिर्च ही डाली, ज़्यादा मिर्च तेज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है, उसका थोड़ी सी इसमें मिर्च डाल दूँगी बस, और ये मटर डाल दूँगी, नमक डाल दिया है इसमें। सारा सिंपल तरीके से ही बनाई है, कि ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं करा है, सबको आती है बनानी, कोई इसमें ज़्यादा नया तरीका नहीं है। तो थोड़ी सी मटर इसमें डाल दूँगी, उसके बाद सिवई वगैरह डाल दूँगी। सिवई मैंने अब किसी उबाल के नहीं रखी थी, वैसे उबाल के भी डाल दो तो जल्दी बन जाती है, और भी जल्दी बन जाती है, लेकिन मैंने उबाल के नहीं रखी थी, खाली ऐसी ही डायरेक्ट इसमें डाल दी थी। भुनी बुनाई सिवई है ये, भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसे मैंने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड करा था, तो बस 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर अंदर ये बन चुकी थी। हाल एक भाप आया नहीं, किसी में भी बनी नहीं। तो बस फ्रेंड इसमें से मैं डाल दूँगी तोड़ करके, वैसे तो तोड़ के रख ली थी, थोड़ी सी और तो रह गई, तो थोड़ा संग संग क्रश कर लिया है, तो इसमें डाल दी इसमें सिवई। उधर मेरा दूध दूध वाली सिवई बन रही है, इधर थोड़ी सी नमकीन सिवई बन रही है। तो इसमें थोड़ा सा बस पानी ऐड करूँगी और कुछ नहीं, सारा सिंपल तरीके से ही बिल्कुल बनाई हैगी। मन कर रहा था खाने का काफ़ी टाइम से, तो बस मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया, ऐसे डाल दूँगी बस बन जाएगी अभी थोड़ी देर में ही। तो फ्रेंड थोड़ी सी मटर बच गई थी, उठा के मैंने उसे ट्रे में रख दी, फ्रिज में रख दूँगी तो ये बनी रही, कल वगैरह देखूँगी कुछ बना लूँगी इसका। तो बस इसका ट्रे फ्रिज में रख रही हूँ, और फ्रिज हमारा थोड़ा सा काफ़ी पुराना हैगा, और कुछ टूट फूट भी हो गई है उसमें। तो बस सिवई जब तक बन गई, तो सामान उठा उठा रखा उतनी देर में सिवई, उतनी देर में सिवई बन गई थी मेरी। तो उसमें धनिया ऐड कर दिया है, अब बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई, ज़्यादा पतली बनाई, बीच की बनाई, पानी वैसे भी सिवई पी लेती हैंगी। तो फ्रेंड इसमें यहाँ मेरी मीठी वाली सिवई भी बन चुकी हैगी, मांग रहा था मेरे बेटा, मैंने गर्म गर्म नहीं दूँगी, थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद ही दूँगी। तो फ्रेंड ऊपर आ गई, नीचे का सारा काम हो चुका था, ऊपर आके मैं जल्दी कपड़े धो लूँ। धूप तेज़ हो रही थी, धूप आ रही थी और जा रही थी, धूप छाँ हो रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी और ज़्यादा वैसी भी नहीं थी, लेकिन धूप तो धूप, गर्मियों की धूप तो आप समझ सकते हो, ना निकलने के बाद भी बहुत तेज़ी होती हैगी। तो बस जल्दी कपड़े धो दूँगी, ये हल्के कपड़े हाथ से ही मिले हैं। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, ठीक होंगे।
तो बस शाम हो गई है, शाम जा रही हूँ मैं शाम का काम करने के लिए। और आज आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करी मैंने, क्योंकि सिर में थोड़ा सा दर्द था मेरे, तबियत कुछ ऐसी थी, तो इस कारण को बात नहीं कर पाई आप लोगों से। तो कोई घर पे भी तो खैर नहीं, सब लोग अपने काम पे गए हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं, कुछ तबियत वगैरह सही नहीं थी, तो इस चक्कर में आप लोगों से बात नहीं करी, उसके लिए वेरी सॉरी। और पता नहीं क्या हो गया, चीज़ रख के भूल जाती हूँ, कोई चीज़ रख दी उसे भूल, बात बहुत ढूंढने के बाद ध्यान आती है तो वहाँ रखी हुई है, तो बस ऐसे सब कुछ चल रहा है। ये देख लीजिए अभी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू आप लोगों का। तो बस चल रही है अपने काम के लिए, छोटी सी वीडियो बनाई है, प्लीज़ इसको देख लेना, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।